पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस चल रही है। हिंदुस्तान की टीम आएगी 2 बजे, इंडियन टीम 2 बजे प्रैक्टिस करेगी। अभी 12 बजे हैं तो पाकिस्तान की टीम सुबह से प्रैक्टिस कर रही है। उनके कप्तान बाबर आजम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो निखिल जी, आप तो क्योंकि प्रैक्टिस कर रही है, आवाज़ बीच बीच में आपको ज़रूर आएगी। पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है, एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये देखा है पाकिस्तान में, निखिल समहाउ आप उनको प्रैक्टिस करते देख रहे हो तो ये लग रहा है कि दे आर एंजॉइंग देमसेल्स। शायद वो सक्सेस जो है, जो आप को हालिया सक्सेस मिली है, यंग टीम है। जैसे मैं तेज़ गेंदबाजों को दे रहा था, हारिस राउफ और उनके साथ शाहिन शाह अफरीदी दोनों इकट्ठे गेंद डाल रहे थे, नसीम शाह भी। तो हारिस राउफ गए हैं, उन्होंने शाहिन को कहा कि डंडे दे मार दो, खैर उस बॉल तो डंडे पे नहीं लगी, अगली बॉल डंडे पे लग गई। तो मैं देख रहा था कि वहाँ से हारिस वॉज वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक बाबर ने ये चीज़ कही भी है, उन्होंने एम्फसाइज भी किया है कि जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास इस वक्त दुनिया के शायद सबसे अच्छा पेस अटैक है। और उन्होंने कहा कि हमारी ताकत ये है कि जो हमारे पेसर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं, दे आर बैकिंग ईच अदर। यहाँ पर आप नसीम को दे दो, आप शाहीन को दे दो, आप हारिस को दे दो, आप शादाब को दे दो, आप किसी को भी दे दो, शादाब को चलो छोड़ दो, स्पिन में मत जाओ, बट तीनों के तीनों पेसर किसी को किसी भी पॉइंट पे ले आओ और आप बोलो विकेट चाहिए, कोई भी डिलीवर कर सकता है। सारे ही पूरे जज्बे के साथ आते हैं इनटू द अटैक, कोई भी डिलीवर कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि तीनों के तीनों में से किसी को भी आपने बॉल दे दी वहां पर ये डिलीवर करके आपको दे सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर पाकिस्तान, जिस तरीके से आज इन्होंने दम दिखाया एशिया कप में, एंड इट्स अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। आज बॉलिंग करा दी है भाई, कहीं ना कहीं आपके टेंशन डर लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी सभी पार्टिसिपेटिंग नेशंस को भी डरना चाहिए भाई, जो यहाँ पर, क्योंकि ऐसा पेस अटैक किसी का नहीं है यार। कितना तगड़ा बॉलिंग लाइनअप है भाई, बाकी टीम्स बीवेयर। ये तो भैया बस ट्रेलर है, अभी पूरी की पूरी फिल्म, पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरीके से आज आप सभी ने पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को देखा है, ये बॉलिंग अटैक जो है सबके छक्के छुड़ाने वाले हैं। क्या गजब की आज गेंदबाजी हुई है। मेरे ख्याल से जितने भी ओपनर बल्लेबाज हैं वो इस समय हॉस्पिटल जाने की पहले से ही प्रिपरेशन करने वाले हैं कि कहीं शाहिन शाह अफरीदी, कि कहीं नसीम शाह, कहीं हारिस राउफ का सामना ना करना पड़े, इससे पहले ही इंजर्ड होके बैठ जाए। आपको भी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अब अपने अपने मन से सोच ले, क्योंकि जिस तरीके से आज गेंदबाजी हुई है पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के द्वारा, एज ए इंडियन क्रिकेट फैन के तौर पर मुझे तो अब डर लग रहा है अपनी ही टीम को लेकर। लगता है कि इस बार पूरी तैयारी से पाकिस्तान आने वाले हैं और हो सकता है कि 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे मुल्क में कई घरों में टीवी टूटने की आशंका जताई जा सकती है। जो शॉकिंग है वो ये भी कि बाबर आजम की कैप्टेंसी में पाकिस्तान लगातार अच्छा कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पे वनडे में बल्लेबाज तो है ही टॉप के, वो अब कप्तान के तौर पर भी वो अच्छे हो गए। सारे लोगों को ना पच नहीं रहा होगा, सच्ची में बताऊं तो आज पाकिस्तान की जीत से जो है ना सबसे ज्यादा, मैंने पहले बोला था कि बर्नोल मोमेंट हो गया बहुत लोगों के लिए, क्योंकि सबने यही उम्मीद किया था कि भाई आज पाकिस्तान टीम हार जाएगी तो उनको ट्रोल करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर जब आप बात करते हैं इनकी टीम में, कभी इफ्तिकार, कभी फखर जमान, कभी इमाम, कभी फहीम अशरफ, कभी सदाब खान, मैच विनर। जो मैच विनर की बात करते हैं, इंडिया में भी हर कोई मैच विनर है, इंडिया में भी हर विनर है, बस क्लिक करने वाली बात है। इनसे बड़े मैच विनर नहीं है। प्रेशर ये है कि सामने जब पाकिस्तान होता है वो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। आपके बॉलर्स में भी कोई भी स्टेप अप कर रहा है? बॉलर्स तो कर ही रहे हैं जब से, नसीम कभी शाहीन कभी हारिस, बॉलर्स तो कर ही रहे हैं जब से। बॉलिंग की टीम में हर मैच में अलग मैच विनर निकल के आ रहा है। मैं कह रहा हूं जब ये स्ट्रगल भी कर रही है ना भाई, तब भी अपने जीत निकाल रही है। और एक क्वालिटी टीम की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि दे ऑलवेज फाइंड अ वे टू विन। आप हमेशा जीत का तरीका ढूंढ लेते हो। पाकिस्तान की टीम ऐसी है इसका आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये टीम ऐसी है किसी को भी हरा सकती है। 1992 में किसी ने नहीं सोचा था वर्ल्ड कप जीतेगी, वर्ल्ड कप जीत गई। 2009 में किसी ने नहीं सोचा था वर्ल्ड कप जीतेगी, वर्ल्ड कप जीत गई। चैंपियन ट्रॉफी की जब हम बात करते हैं भाई, हम कभी नहीं लगा था कि चैंपियन ट्रॉफी जीतेगी, चैंपियन ट्रॉफी जीतेगी। इनकी बोले पड़ के ऐसे आ रही है भाई, ऐसा लग रहा पता नहीं चाहे बवाल पे ऐसे इनकी यार, चाहे हारिस की बात करें, चाहे शाहीन की बात करें, चाहे बात करें वहां पर, हम बात करते कौन सा बोला इनके नसीब की बात करें वहां पर,
तो आप इनके बॉलिंग देखो। खुशी की बात तो ये है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान फेमस ही अपनी बॉलर्स की वजह से है। ट्रेडिशनली वहाँ पे ना ऐसे नेचुरली पेस, हाई पेस, फास्ट बॉलर्स पैदा होते हैं। पाकिस्तान की पाक भूमि ऐसे करामाती तरीके से बॉलर्स को पैदा करती है। अगर अच्छी कंडीशंस मिल जाए और वहाँ पर तेज गेंदबाज जो 145 प्लस नॉर्मल फेंक रहा है, लगातार फेंक रहा है, तो फिर बहुत कहर गेंदबाजी होती है। और आज पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी की एक्चुअली में चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि तीनों गेंदबाज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और मतलब मजा आने वाला है। इंडिया के साथ तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि नसीम, हारिस, शाहीन वर्सेस बुमराह, शमी, सिराज, मतलब लीथल कॉम्बिनेशन होने वाला है दोनों साइड से इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान इज अ डेंजरस टीम, मैं पाकिस्तान को हल्की टीम नहीं मान रहा। वो 59 ऑल आउट भी किया इसी टीम ने। पाकिस्तान अब जब जब खेलेगी ना अफगानिस्तान को, दिल तो धक धक करेगा दोनों का। ये पाटा विकेट नहीं थी, इस पे बॉल ग्रिप हो रहा था, बाद में आपने देखा है। तो वहां से अफगानिस्तान भी अपने देखेगा कि हमने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारी। क्या विश्वास की कमी है, वो बिलीफ नहीं है, वो फेथ नहीं है। एंड में आके उनके हाथ पैर जो है वो मतलब हाथ पैर फूल गए उनके, वो मैच उनका ही था। अब सामने हाँ, कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए आज अफगानिस्तान इज लाइक इंडिया पाकिस्तान ना। राइवलरी तो उनकी बहुत ज्यादा है। पहले तो उनको बोर्ड पे 300 रन दिखे, फिर चलो जैसे तैसे करते 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 आप जब मैच हार रहे होते हैं ना अफगानिस्तान से राहुल, उस वक्त बड़ी टीम के हाथ पैर भी फूलते हैं कि यार हम हार जाएंगे। वहां से 5 मिनट ठंडा सांस लेके, भले वो नसीम शाह हो, शादाब हो, उनसे पहले कोई और हो, मैच पाकिस्तान निकाल गया। नहीं मैं मानता ये बट नीचे लगे हो आप किसी हल्की टीम से, जहां पे हल्की टीम को हारने जीतने का कोई नहीं है। हाँ। आप हार गए तो आपको तो दुनिया गोलियां बरसा देगी। बिल्कुल वहां से भी मैच निकाल के लेगा। आप ये क्या पाकिस्तान बेस्ट टीम थी, सेकंड बेस्ट टीम थी पिछले T20 वर्ल्ड कप वनडे में फाइनल खेली? नहीं वो सब ठीक है, ये क्या बात हुई? खेली मैं बोल रहा हूँ। कौन था सेकंड बेस्ट? अच्छा चलो मुझे बताओ सेकंड बेस्ट कौन था? पाकिस्तान नहीं थी। कौन था? किसने वर्ल्ड कप पिछले T20 वर्ल्ड कप कौन था? आप किसी को भी बोले, बहुत सारी टीमें हैं। नहीं नहीं आई थिंक पाकिस्तान से टीम का नाम ले होते तो कहते कि ये बेस्ट टीम नहीं है। नहीं नहीं मैं ये नहीं, देखो उनकी किस्मत भी रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वो हार गए फाइनल, अगर वो सेकंड बेस्ट टीम भी होती ना वो जीत सकते। बात करते हैं और नॉट द सेकंड, आप इंडिया को कह दो साउथ अफ्रीका भी बेहतर थी। देखो वो पहुंची, इवन कहां खेला साउथ अफ्रीका, कहां रहेगा पिछला वर्ल्ड कप? वो तो खैर कहां पे रहेगा? नहीं तो पाकिस्तान भी हारा है जिम्बाब्वे से। नहीं 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 साउथ अफ्रीका कहां कहां पे हुए नहीं था ना बारिश की। हाउ वर दे सेकंड बेस्ट यार? कौन? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उनसे बेहतर कौन था पाकिस्तान से। आपने पूछा ना उनसे बेहतर कौन था, बताइए ना आप टीम पे। पाकिस्तान वाज नॉट द बेस्ट टीम यार, तो कौन सी टीम थी? सारी उनसे बेहतर थी। ज्यादातर में किसको हरा? ज्यादातर न्यूजीलैंड किसको हरा? न्यूजीलैंड। आप हर बार न्यूजीलैंड से क्यों हार के आ जाते हो? अब ये तो फिर वो है कि भाई हम हार जाते हैं तो हम सेमीफाइनल अच्छा जीते। हम तो अफगानिस्तान से ऐसा क्लोज नहीं करते कभी मैच, जो वर्ल्ड कप हम अफगानिस्तान से ऐसा क्लोज भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान थी वहां पर, देखो वो पहुंची है फाइनल में, उनको उस चीज का। देखो T20 वर्ल्ड कप में हम भी जो यूएई वाला था जो वर्ल्ड कप, हम भी उम्मीदों पर थे ना कि स्कॉटलैंड हरा दे ये है वो है और हम खुश होते जी पहुंच गए जीत गए तो हम और खुश होते। वो वहां पहुंचे उनको क्रेडिट है, चाहे बॉलिंग ने ज्यादा किया है तो वो एक अलग मैटर है। बॉलिंग ने किया, बैटिंग ने जैसे मर्जी किया। विराट कोहली दो ऐसे प्लेयर है, मैं राहुल भाई कह रहा हूँ, बाबर आजम, विराट कोहली, बाबर आजम और विराट कोहली उतरेंगे। विराट कोहली और बाबर आजम कैसे एक जैसे प्लेयर हो गए? हो ही नहीं सकता। आप उनका ये वही बात हो रहा है, एक बाबर आजम और विराट कोहली का नाम एक बहस लाइव। अरे नहीं, अरे सुन तो लो, वही बात हो गई है जी। देखिए हमारे पास बाबर कर सकते एक पूरा करने दो, नहीं मैं बात ही अब वो वाटर डाउन, अब वो वाटर डाउन कर देंगे ना। वाटर डाउन ही नहीं है, मैंने कहा जब जब विराट कोहली और बाबर आजम उतरेंगे, कहां उतरेंगे? मैदान पर। उन दोनों की टीमों को इतनी तवक्कुआत, इतनी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप विराट भी जिस दिन 70 रन बनाते हैं ना आप कहते हो क्या यार आउट हो गया। सेम आप बाबर के लिए कहोगे, बाबर के भी आप 50 रन है आज। तो विराट और बाबर सिर्फ टीम के बेस्ट प्लेयर्स नहीं है, आपको समझना होगा। जो विराट कोहली आपकी क्रिकेट के इमोशन है वो एक मिनट, पाकिस्तान क्रिकेट की इमोशन आज बाबर है, बिकॉज पाकिस्तान यहां से शुरू हुआ यार। पिछले बाबर को सर ये भी यार एक मिनट, वो 30 सेकंड दे दो। वो बाबर की टीम यहां थी ना पाकिस्तान की। आप तो टॉप टीम विराट ने, रोहित ने, सबने आपको बना दिया, उनके लिए बाबर है। किन के लिए? पाकिस्तान। क्यों है मैं बताता हूं, बिकॉज पाकिस्तान नीचे से आया।
पाकिस्तान वो एक यंग कप्तान आया, यंग टीम थी, उनके सारे प्लेयर चले गए चले गए चले गए चले गए। पाकिस्तान में तो पिछले महीने तक कह रहे थे बाबर को कप्तानी से हटा दो, वहां पे सोच डिफरेंट है। इंडिया में सोच मैं मानता हूँ, वहां तो कह रहे थे पॉलिजी में कह रहा हूँ नहीं, इंडिया में सोच फिर भी वहां तो कह रहे थे ना, हमारे यहाँ तो हटा दिया, वहां तो कह रहे थे ना हमारे यहाँ तो हटा दिया। अब बोलिए ना, तब तो आवाज नहीं उठाई आप।